पाकिस्तान 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 को मुंह तोड़ जवाब देते हुए श्रीनगर में हुए प्लेन क्रैश में मथुरा के लाल की शहादत से ब्रज में शोक की लहर दौड़ी हुई है। प्लेन क्रैश में शहीद हुए जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करने को एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन वृंदावन में गोविंद कुंड स्थित सरस्वती शिक्षा निकेतन जूनियर हाई स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें महामंडलेश्वर नवल गिरी जी महाराज, शिक्षकों, समाज सेवियों और बच्चों ने मथुरा के लाल पंकज को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीद पंकज के चित्रपट पर पुष्प अर्पित कर वक्ताओं ने उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में घुसकर कार्यवाही की सराहना करते हुए मोदी सरकार को समर्थन की बात कही। बच्चों ने देश गीत गाकर और कविता के माध्यम से शहीदों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी। वहीं हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाए गए। इस संबंध में प्रधानाचार्य अशोक शर्मा ने जानकारी दी। सरस्वती शिक्षा निकेतन जूनियर हाई स्कूल गोविंद कुंड में, गोविंद कुंड पर जो हमारे मथुरा के विंग कमांडर पंकज जी ये शहीद हुए हैं, उनके लिए है कि यहाँ पे एक श्रद्धांजलि समारोह का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें महामंडलेश्वर जी और सभी हमारे भाई बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज सभी बच्चों ने यहाँ देश की सुनाए और सभी है कि पाकिस्तान से बदला लेने के लिए बच्चे है कि सब उत्साहित है और हम सब तन मन धन से मैं सरकार के साथ हैं। हम सरकार के तन मन धन से साथ हैं। हर तरह से सरकार जैसे हमसे सहयोग चाहेगी, हमारे वृंदावन का साधु समाज, ब्राह्मण समाज और शिक्षक समाज और बच्चे, आज बच्चों के बोलने से ऐसा उत्साह दिखा कि हम भी एक सैनिक बन के देश की सेवा करें। और यहाँ के हमारे महामंडलेश्वर जी ने अभी बताया कि साधु समाज, ब्राह्मण समाज हर तरह से सरकार के साथ है। मोदी जी से हमारा बार बार प्रधानमंत्री जी से यही कहना है कि पाकिस्तान को इस समय मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अभी नहीं दिया गया तो फिर कभी नहीं दिया जाएगा। अभी